पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर सदैव अटल स्मारक पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने एवं भाजपा के बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल और गिरिराज सिंह ने भी सदैव अटल स्मारक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के प्रमुख नेताओं में शुमार और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी की लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में निधन हो गया था। बता दें, उनकी उम्र उस समय 93 वर्ष थी। वाजपेयी ने 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर देश की सेवा की। वह पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद उन्होंने 1998 और 2004 में भी देश की बागडोर संभाली थी। आपको बता दें कि देश उनके जन्मदिन यानी 15 दिसंबर को भी सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। उन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने भी ट्वीट कर लिखा, हमारी पार्टी के पितृ पुरुष, करोड़ों कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक एवं हमारे प्रणेता स्रोत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि भावभीनी श्रद्धांजलि। साथ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने भी आज सदैव अटल जाकर उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।